हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स इन सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और हमारे जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम, ब्रेस्ट फीडिंग के जो टिप्स हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना है, उसके ऊपर हमें और ज़्यादा माहिती दीजिए और उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो आज हम लेकर आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज और हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज़ ब्रेस्ट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसको आपको कैसे ओवरकम करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, महिला के शरीर में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वैसे ही ब्रेस्ट में भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपकी, 2 महीना, 3 महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो ब्रेस्ट में हैवीनेस जैसा फील होता है, ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो बढ़ने लगती है। ब्रेस्ट में काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पेनफुल ब्रेस्ट भी होते हैं, टेंडरनेस वगैरह होता है। यह जो प्रॉब्लम है, इसको आपको कैसे ओवरकम करना है। जैसे आपको लगता है कि थर्ड मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ मंथ शुरू होता है, तो आपके लिए जो कंफर्टेबल और राइट साइज़ की जो ब्रा है वह आपको पहनना है। अगर आप ज़्यादा टाइट ब्रा वगैरह पहनते हो तो उसकी वजह से भी आपको सफोकेशन वगैरह होता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस वगैरह के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि आपके जो निप्पल्स और एरियोला का जो पोर्शन है वह डार्क बनना शुरू होता है। इवन आपका जो एब्डोमिन है उसके ऊपर भी एक डार्क लाइन शुरू होती है जो सेंटर से पास होती है, आपके अम्बिलिकस नाभि के पार्ट से पास होती है, जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। नॉर्मल जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें एक यह भी चेंज है कि डार्कनिंग ऑफ द निप्पल्स एंड एरियोला। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तीसरा है कि जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है और मिड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर जो है कि 7वां 8वां महीना लगता है, वह समय पे निप्पल में से थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। और इसके लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट यही रहता है कि ब्रेस्ट आपको निप्पल प्रेस करके जो डिस्चार्ज है उसको रिमूव नहीं करना है, निप्पल का जो स्टिमुलेशन है वह अवॉइड करना है और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। चौथा है कि डार्कनिंग ऑफ द वेन्स, जो ब्रेस्ट के ऊपर जो वेन्स रहती हैं वह एकदम विजिबल होती है, ग्रीनिश कलर के जो वेन्स रहते हैं, डायलेटेड वेन्स वगैरह भी काफ़ी पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पांचवा जो है कि एनलार्जमेंट ऑफ द निप्पल, जैसे ही आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आता है वैसे वैसे ब्रेस्ट को नेचुरली ही प्रिपेयर किया जाता है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग पर्पस। तो जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपके जो निप्पल हैं उसके साइज़ में भी बदलाव आता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। पहले जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट की ग्रोथ और टेंडरनेस वगैरह नहीं हो, इसके लिए आपको राइट साइज़ की ब्रा पहनना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो आपको हो सकता है कि सफोकेशन वगैरह की तकलीफ, काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैम, सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो अगर आप यह चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी यह तकलीफ़ में आपको आराम मिल सकता है। दूसरा है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट को बिकॉज ऑफ ड्राइनेस जो निप्पल का जो पार्ट है वहाँ पे क्रस्ट वगैरह या तो क्रैक्ड निप्पल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है,
तो दोनों जो ब्रेस्ट है उसको आप ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल है या तो कोई भी मॉइस्चराइज़र है, उससे मसाज कर सकते हैं। और निप्पल और एरियोला का जो पार्ट है वहाँ पे भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, ताकि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं तभी आपको क्रैक्ड निप्पल्स वगैरह के इश्यूज़ फेस नहीं करनी पड़े। तीसरा है कि हाइजीन आपको मेंटेन करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ब्रेस्ट की हाइजीन भी इतनी ही आवश्यक है, क्योंकि हमको जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश होता है, अगर क्रैक्ड निप्पल्स वगैरह है, आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, तो जो बैक्टीरियाज वगैरह है वह जो क्रैक्ड निप्पल्स है वहाँ से ट्रैवल करके आपके ब्रेस्ट में पहुँच सकते हैं, और वहाँ पर आपको पस फॉर्मेशन वगैरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो पर्सनल ब्रेस्ट हाइजीन आपको अच्छे से मेंटेन करना है, उसको ड्राई रखना ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा पसीना होता है तो आप जो पाउडर वगैरह रहता है, टेलकम पाउडर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडिड पाउडर वगैरह जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि जिनको पसीने की प्रॉब्लम है, उनको अंडर ब्रेस्ट की जो स्किन रहती है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की अगर प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट भी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ले लेते हैं तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तभी आपको मेजर इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। चौथा है कि जो निप्पल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे जो पेशेंट है जिनका थर्ड ट्राइमेस्टर का फेस चल रहा है, कोलोस्ट्रम या तो थोड़ा मिल्क सिक्रेशन, वाटरी सिक्रेशन आ रहा है, तो बार बार उनको सॉगी फील होता है, वेट फील होता है, और बिकॉज ऑफ वेटनेस भी आपको एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप पैड जो मार्केट में अवेलेबल है, कि आप ब्रेस्ट और जो ब्रा है आपके उसके बीच में ऐसे पैड रख सकते हैं, ताकि जो भी सिक्रीशंस है वह सोख हो जाए, और रेगुलर इंटरवल पे आप वह जो पैड है उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं, और हमारा यह एक सीरीज़ रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड। कोई भी आपको क्वेरीज है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे एस्टैब्लिश होता है, जैसे ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी या तो सिजेरियन डिलीवरी होती है, नेचुरली आपका ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस एस्टैब्लिश होता है, तो उसके बारे में और डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।